ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात अब दलित समुदाय के प्रदर्शन की, जहां पर हिंसक रूप लिया गया था, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई थी। उग्र हुए प्रदर्शन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बात कुरुक्षेत्र की, जहां पर पीपली सदर पुलिस ने अलग अलग जगह पर प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज कर लिया है। भारत बंद के दौरान तोड़फोड़ और उत्पात मचाने वाले 400 से 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भी हिंसक प्रदर्शन करने वाले करीब 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को दलित समुदाय ने 6 घंटे तक नेशनल हाईवे में जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 2 तारीख को भारत बंद किया गया था। कुछ शरारती तत्वों ने नेशनल हाईवे बंद कर दिया। 20 आदमियों के खिलाफ बाई नेम पर्चा दर्ज किया है। अन्य 400-500 आदमी और हैं, उनके के खिलाफ भी पर्चा दर्ज किया है। इसकी वीडियोग्राफी बनाई गई है। वीडियोग्राफी के आधार पर सबूत गुजरेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकारी काम में बाधा डालने जैसा मामला दर्ज हो चुका है। संवाददाता भरत साबरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, अब तक किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई के तहत पुलिस मामला भी दर्ज कर रही है, लोगों को पकड़ भी रही है, आगे क्या? मैं बताना चाहूंगा, जब कल जो ये बंद का आह्वान किया गया था, उस बंद को लेकर कई जगह से नेशनल हाईवे भी जाम किया गया था और इसी तरह क्षेत्र के अंदर भी जो है नेशनल हाईवे को जाम किया गया था। और देखिए, देखने वाली बात यहाँ पर ये थी कि पुलिस सारा दिन सिर्फ आदेश का इंतजार करती रही, पुलिस को कहीं से कोई ऑर्डर नहीं मिला कार्रवाई करने का। और उसके बाद जब ये पूरे का पूरा आंदोलन समाप्त हो गया तो पुलिस ने 20 लोगों को नामजद और 500 के लगभग लोगों को नामालूम के तौर पर अपराधी बनाया है और लगातार इस मामले को लेकर पुलिस जो है छापेमारी भी कर रही है और लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। देखिए, एक और बात मैं दर्शकों की जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले हैं जो लोग उस प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे और उन पे भी मुकदमे जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से दर्ज किए गए हैं। इसमें जैसे आप बता रहे हैं, अभी जानकारी दे रहे हैं भरत, की जो लोग शामिल नहीं थे उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, तो वो लोग कौन है और उन पर क्यों फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? देखिए, बिल्कुल, उन लोगों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम एक समुदाय से जुड़े हुए हैं जिस समुदाय के चलते हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो समाज को लीड करने वाले लोग हैं, नेता हैं। तो स्पष्ट हो जाता है इस तरह की बातों से कि सरकार जो है अब इस मुद्दे को पूरी तरह दबाने के मूड में है और जब तक जो लीड करने वाले लोग हैं उन्हें अंदर नहीं डाला जाएगा तब तक ये जो आंदोलन है और जो ये प्रदर्शन है ये शांत नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भरत, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।